संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। प्रिय मित्रों, भजन संध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब जानते ही हैं कि भजन भक्ति और संगीत के मिश्रण का एक सुहावना सफर है। जब कोई भक्त अपने सर्जनहार की स्तुति गाना शुरू करता है, तो चाहे वो घर में हो या जंगल में, मंदिर का सा वातावरण एक पवित्र माहौल पैदा हो जाता है। ऐसा लगने लगता है मानो आस पास की हर चीज उसकी आवाज पे आवाज मिला रही है। उसके संगीत की लहरों पर हवाएं झूमने लगती हैं और आंखों के सामने अनगिनत दृश्य घूम जाते हैं, जिनमें कहीं कृष्ण की वंशी पर ग्वालने नृत्य करती नजर आती हैं, तो कहीं गिरह की मारी मीरा के दिल की फरियादें सुनाई देती हैं। तुलसी के छंद हो या कबीर के दोहे, मीरा की वाणी हो या सूरदास की पंक्तियां, भजन गाने वालों ने इन अक्षरों और शब्दों में अपनी अंतरात्मा की आवाज तलाश कर ली है। अनूप जलोटा अपने पिता श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा, जो भारत के भजन सम्राट के नाम से पहचाने जाते हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। अनूप के गले में जो मिठास है, उनके स्वर में जो रस है, उसे सुनकर आप यही महसूस करेंगे कि प्रकृति ने अपने कामों के लिए बाज लोगों को ऐसी शक्तियां और